मराठी ब्लॉग में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, तो जल्दी से इस चैनल को यहीं पे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आज के ब्लॉग में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। आज हम बाहर घूमने जा रहे हैं और ये देखें हरियाली हर तरफ सरसब्ज माहौल, और आप देख सकते हैं और सुनिए परिंदों की आवाज़ें और ये प्यारा प्यारा सा म्यूजिक, और आप भी इंजॉय करें और देखेंगे शाम के मनाज़िर किस तरह से हैं हमारे पास। तो उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप ये ब्लॉग कम्प्लीट देखेंगे तो आपको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलें इंजॉय करते हैं साथ में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ डॉक्टर यूनिस हियर और आई एम विथ माई डियर वाइफ माई डियर लाइफ डॉक्टर सुमा यूनिस एंड यू आर वॉचिंग सुमा यूनिस व्लॉग्स। जो हम व्लॉग बना रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन है आपके लिए। आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, सुमा यूनिस व्लॉग्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब बटन को, बेल बटन आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज मियां जी मुझे लेके जा रहे हैं बाहर, पता नहीं क्या खिलाने जा रहे हैं, बताएं। आज आपके लिए सरप्राइज है। कौन सा सरप्राइज है? कुछ ना कुछ खट्टा मीठा खाएंगे। खट्टा मीठा और आपके लिए वॉलेट भी लेना है मुझे। इनका जो वॉलेट है वो खराब हो गया है, तो अभी इनके लिए मुझे दूसरा वॉलेट लेना है। वो भी जाएंगे, वो भी शॉप से लेके आएंगे, वो भी आपको दिखाऊंगी कि कौन सा ले रहे हैं। सिर्फ वॉलेट नहीं चाहिए, वॉलेट भरा हुआ चाहिए पैसों से। देखें अब इसके बाद तोहफा सारी फैमिली के सामने इस तरह से मुझे बोल रहे हो। सारे पैसे इन्हीं के होते हैं, लेकिन पैसे नहीं देती हो ना मुझे। क्या करोगे आप पैसे, क्या करोगे? कोई काम है आपका पैसों का? पैसे दोगी तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा ना। नहीं, गिफ्ट मैं खुद ले लूंगी। जो भी देना है अपनी पॉकेट मनी से, तो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सही है। तो अभी हम घर से बाहर जा रहे हैं और अभी हमारी लाइट भी चली गई है। तो चलिए अभी हम घर से बाहर चलते हैं, सारा ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी ये नहीं बोलेगा कि मेकअप लगाया हुआ है। मियाँ जी इधर ऐसे ऐसे हाथ मलो मेरे मुँह पे, ये देखो कुछ भी नहीं है। देखें बोलते हैं कि लगा के बैठी है मेकअप, ये मेरा निखार है तुम्हारे ऊपर। हाय मैं सदके कोई मेकअप शेकअप नहीं लगाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं घर से बाहर और देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं, और मियाँ जी पता नहीं कौन सी खट्टी मीठी चीज खिलाने जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले अभी मैं बेकरी पे आई हूँ क्योंकि अम्मी ने कहा था कि दूध लेती आना। तो अभी मैं यहाँ पे, हम जिससे चाय बनाते हैं एवरीडे मिल्क, तो वो ले लेते हैं। और ये रहे मियाँ जी और मैं, और ये है हमारे नौशर फ्रोज़ का दीवान बेकर्स। और अभी देखें हम जा रहे हैं दूध लेने, और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अम्मी कितने ग्राम्स के लेती है पैकेट, तो मियाँ जी को मालूम था, मियाँ जी ने ले लिए हैं। तो चलिए अभी चलते हैं काउंटर पर और पैसे देते हैं। हाँ, हम दोनों ने ले लिया है दूध, और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना ज़्यादा प्यारा बेकर है, बहुत ज़्यादा अच्छी बेकरी है और बहुत ज़्यादा अच्छे ये बेकर्स भी हैं। तो चलिए चलते हैं काउंटर की ओर, और यहाँ पे हमने लड़के को दे दिया था दूध के भाई जाओ इसका बिल बना लो। तो ये देखें लड़का जा रहा है बिल बनाने। आगे का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसके अलावा अभी मैं एक और जगह जाऊंगी जहां से मुझे लेने हैं साशे वाले मसाले, क्योंकि बच्चे हमारे कच्चे मसाले खाते हैं ना सब्जियों के साथ, फिर वो सारा मसाला ना ज़ाया हो जाता है। और ये देखिए अभी मैं आ गई हूँ एक छोटी सी शॉप पे, और यहां से मैं ले रही हूं, और मियाँ जी यहां पे खड़े हुए हैं और मैं ले रही हूँ मसाले सशाले। और यहाँ ले जी हम आ गए समोसे और पकौड़े लेने, और ये देखें बुगरियाँ शुगरियाँ। यहाँ पे मैं मियाँ जी का वेट कर रही हूँ, और ये ले मियाँ जी आ गए, ले लिए पकोड़े समोसे ले लिए, और पापड़ लिए, अम्मी के लिए प्याज लिए, सब कुछ लिया है। तो चलें फिर आपको आप ही का वेट कर रही थी मैं। ये देखें हो गया हमारा सारा काम, चलें अब घर चलें। बस कैमरा में पता नहीं क्यों अंधेरा नहीं हुआ आ रहा, लेकिन अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो नहीं गया लेकिन होने वाला है। तो ये देखें अभी हम घर जा रहे हैं, और बड़ा मज़ा आया, खुली हवा भी सैर भी कर ली हमने, ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी ताज़ी हवा का, और शॉपिंग भी कर लिए, अपने सामान भी ले लिए। ये देखें मैं इनको देख के ना तड़प रही हूँ कि मैं कैसे खाऊँ, मैं तो डाइट पे हूँ। चलें थोड़ा सा एक निवाला खा लूँगी। देखें रात हो गई है और अभी हम घर पहुँचे, और ये देखें पप्पा जानी यहाँ पे खड़ा है,
और ये देखें अभी हम घर पहुंच गए, फ्लैश लाइट ऑफ थी। ये देखें मियाँ जी और ये देखें पप्पा जानी। तो चलिए अभी हम घर चलें। व्यूवर्स ये हैं वो पापड़ जो मियाँ जी की फरमाइश थी, आप तो जानते हैं मेरे फेवरेट है। तो ये देखें मियाँ जी की इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है, 5 पापड़ और ये देखें इनके छोले और मियाँ जी खा रहे हैं। कैसे लगे मियाँ जी पापड़? तो आज आप मुझे ये खट्टी मीठी चीज़ खिला रहे हो? हाँ। तो चलें व्यूवर्स हम खा लें। क्या कर रहे हो मियाँ जी, वीडियो क्यों बना रहे हो? आपने जो कहा कि वीडियो बनाओ। अच्छा जी, मैंने कहा। हाँ तो YouTube के सामने तो ये बोलना कि नहीं बोला। लगा करेंगे बस। तो ये देखिए अभी मैं किचन में आ गई हूँ। ये देखिए हमारा टाइपिंग का सामान सामान, ये देखिए हमारा किचन स्केल जिसपे मैं नाप तोल के खाना खाती हूँ। तो आई मैं आपको दिखाऊँ कि मैं क्या खाती हूँ और कितना खाती हूँ। चलिए आपको ये दिखाए। सबसे पहले ये देखिए मेरा क्यूट सा पोर्शन प्लेट, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। फिर देखें इसको ऑन कर दिया है, कितनी प्यारी लाइटिंग्स चल रही हैं। ये देखें अभी 0 ग्राम हो गया क्योंकि मैंने ये प्लेट इसको स्टार्ट करने से पहले ही रख दी थी। अब चलें हम अपने चावल ले लें। बिस्मिल्लाह। ये देखें 77 ग्राम। अभी थोड़े देंगे हम बस 120 समझे, वरना ये जो ग्राम होता है मेरा, मियाँ जी मेरे मुंह पे करें कैमरा, 80 ग्राम एक कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन होता है, मुझे 2 लेने होते हैं 160। लेकिन अभी आपने देखा कि मैंने पापड़ खाया है तो उसकी वजह से मैंने 40 ग्राम काट दिए। अब ये देखें इतना सा मेरा खाना है और यही मैं एक टाइम पे खा रही हूँ। दिन में 2 ऐसे बस चीज़ें खाती हूँ, मतलब इतना पोर्शन खाती हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं, मुख्तलिफ जो भी मेन्यू होता है वो खाती हूँ। और अभी देखें ये मेरा प्रोटीन का पोर्शन है दाल का। और ये देखें घर वालों के लिए जब मैं खाना साथ ही बनाती हूँ तो इस तरह से मैं ड्रेन कर लेती हूँ। अब ये देखें सिर्फ इतनी सी दाल, ये है मेरा खाना। अब लोग ये सोच रहे होंगे और उनका दिल फट रहा होगा कि हम कैसे खाएंगे इतना सा। तो चलें अभी हमारा जो डेयरी है दही वो मैं बाद में खाऊंगी, अभी चलते हैं मैंगो लेने, फ्रूट लेने, क्योंकि सारे दिन में मैंने कोई भी फ्रूट का आइटम नहीं लिया है। तो चलें इसको यहाँ बंद कर दें। चलें मैं लेके आऊँ आम और आपको वो भी दिखा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की ये कुदरत, इतने प्यारे प्यारे हमारे आम जो फ्रूट का मेरा पोर्शन होता है वो 80 ग्राम होता है पर पोर्शन का, और पर टाइम का, मतलब दिन में 3 पोर्शन मैं इसके ले सकती हूँ। लेकिन ये बड़े आम नहीं लूँगी, इतना सा ही आम लूँगी ताकि अगर इसका वेट भी होगा ना तो 150 ग्राम मुश्किल से होगा, फिर इसकी खाल वाल और अंदर क्या होती है ककड़ी शकड़ी उसका भी वेट होता है। तो व्यूवर्स इसी तरह से आप भी डाइटिंग करें, अपने आप को संवारें, अपनी बॉडी को ख़राब नहीं करें क्योंकि बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा ना बुरी चीज़ होती है। वैसे तो मुझे कभी नहीं हुई है बॉडी शेमिंग, लेकिन लोग कहते हुए ना देर नहीं करते हैं, इतनी मोटी हो गई हो, इतनी एज की हो, फलां हो फलां हो फलां, लेकिन उनको क्या पता कि मेरी रियल एज क्या है। 24 या 25 हो जाएगी इस फरवरी में, तो 24 अभी हम हो जाएंगे 25 की। मियाँ जी हैं 25 के और मैं हूँ 24 की। तो चलें ये देखें अभी मैं अपना खाना खा रही हूँ, बड़ा ही जायकेदार, बड़ा ही मज़े वाला, टेस्टी खाना। क्यों मियाँ जी हंसा रहे हो? ये देखें मियाँ जी मुझे हंसा रहे हैं, क्या करूँ मैं इनको। चलें खा लो। हाँ व्यूवर्स, तो आज का जो ब्लॉग था यहीं तक था। इंशाल्लाह मिलेंगे बॉलीवुड के साथ, जब तक मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।